हेलो बच्चों, आज हम अर्थ के अंदर के भाग के बारे में जानेंगे। क्या आपको पता है धरती यानी अर्थ कैसे बना? लाखों साल पहले अर्थ कुछ नहीं बट एक बहुत बड़ी बॉल थी जिसके अंदर गरम गरम गैसें भरी हुई थी। फिर वो धीरे धीरे ठंडी हुई, और आपको पता ही होगा जब कोई भी गैस ठंडी होती है तो थोड़ी सॉलिड यानी ठोस हो जाती है। तो लंबे समय तक ठंडे होने के कारण धरती की बाहर की परत कड़क और ठोस बन गई जिस पर हम रहते हैं, और उसे क्रस्ट कहते हैं। क्या आपने कभी सोचा है कि अर्थ में क्रस्ट के नीचे क्या होता है? चलो जाने। कल्पना करो, एक फैक्ट्री ड्रिलिंग कर रही है, जैसे पानी निकालने के लिए आप ड्रिल करते हैं ना, उसी प्रकार। तो ये धरती के अंदर छेद बनाकर पाइपों को भेजते हैं, और कल्पना करो उन पाइप पे अगर कोई कैमरा लगा हो तो अंदर कैसा दिखेगा? इस प्रकार दिखेगा। हम जहाँ पर रहते हैं उसी क्रस्ट पर फैक्ट्री है। क्रस्ट के नीचे कड़े पत्थरों से भरा हुई परत को मैंटल कहते हैं। मेंटल के नीचे नारंगी रंग में पिघला हुआ गरम मेटल रहता है, और उसे आउटर कोर कहते हैं। और इसके नीचे लाल रंग का बहुत ही गरम ठोस से भरा हुआ परत को इनर कोर कहते हैं। अर्थ के अंदर का सेंट्रल भाग यानी इनर और आउटर कोर बहुत ही ज़्यादा गर्म होते हैं, क्योंकि इसके अंदर पिघला हुआ मेटल जैसे कि आयरन होता है। यह अंदर का भाग इतना गर्म होता है कि अंदर के पत्थर और मेटल्स पिघल कर लिक्विड के रूप में रहते हैं, जिसे मैग्मा कहते हैं। इसके पास जाना या छूना तो हम कल्पना भी नहीं कर सकते। तो फिर से दोहराए, धरती के ऊपर से अंदर तक अगर हम देखें तो चार परत होती है। पहली क्रस्ट, जो बाहरी परत होती है जहाँ पर हम रहते हैं। उसके बाद है मेंटल, जो ठोस पत्थरों से बनी होती है जो बिल्कुल क्रस्ट के नीचे होती है। मेंटल के नीचे की लेयर को आउटर कोर कहते हैं, जिसमें पिघला हुआ मेटल्स यानी मैग्मा होता है। और सबसे अंदर होता है इनर कोर, जो कि ठोस मेटल से बना हुआ है। बाहर की परत ठंडी और अंदर इतना गर्म, है ना अचंभे की बात? यह तो बहुत अच्छा है कि बाहर की क्रस्ट लेयर एकदम ठोस और मजबूत है, नहीं तो यह गरम गरम मैग्मा बाहर निकल के आ जाए। पर हाँ, ये कहीं कहीं होता है। अर्थ की कुछ जगह पे क्रस्ट यानी जो आउटर मोस्ट लेयर है वह थोड़ी पतली और कमज़ोर होती है, तो हॉट मैग्मा अंदर से निकलकर इन जगहों के थ्रू बाहर आ जाता है लावा के रूप में, और फिर एक पटाखे की तरह फूट जाता है। और फूटने के बाद लावा ठंडा हो जाता है और अर्थ की क्रस्ट पर जम जाता है। इसे वॉल्केनो कहते हैं। जो वॉल्केनो बार बार फूटते रहता है उसे एक्टिव वॉल्केनो कहते हैं, और जो वॉल्केनो कभी फूटा पर अब कभी नहीं फूटता उसे डोरमेंट वॉल्केनो कहते हैं। कभी कभी ये गर्म वॉल्केनिक रॉक्स अंदर के पानी को गर्म कर देते हैं, और फिर ये पानी अर्थ के कमजोर हिस्सों से बाहर आ जाता है, एक बिल्कुल एक हॉट वाटर शावर की तरह, यानी गर्म गर्म पानी का शावर। इसे हॉट स्प्रिंग कहते हैं। है ना कमाल का अर्थ? चलो फिर, और कुछ सीखेंगे अर्थ के बारे में? आज के लिए इतना ही। बाय बाय बच्चों।